श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे पहुंचे जयचंदपुर कटघरा बृहद गौ संरक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद, तालियों से किया स्वागत। इस दौरान विधायक ने लोगों को किया संबोधित। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के जयचंदपुर कटघरा से है, जहां पर आज बृहद गौ संरक्षण केंद्र का श्रावस्ती विधायक पंडित रामफेरन पांडे ने पहुंचकर उद्घाटन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान अरविंद कुमार तिवारी, मोहन पांडे, हरीश चंद्र शुक्ला, शिवराम तिवारी, लल्लू तिवारी, बाबारीन शुक्ला, हंसराज शुक्ला, रामराज देवतारीन शुक्ला, दिनेश पांडे, अखिलेश शिवप्रसाद तिवारी व गिलौला के प्रमुख तथा शिक्षक संघ के नेता विनय पांडे व शिक्षक सिंह मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस बृहद गौ संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान गौ माता की पूजा की गई तथा फीता काटकर विधायक ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। यहां पर लगभग 500 गौवंशों को रखा जाएगा, जिनकी बेहतर व्यवस्था के लिए उन्होंने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि यहां पर रहने वाले गौवंशों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्हीं के प्रयास से यह गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है, जहां का आज उद्घाटन किया गया है। विधिवत पूजा पाठ करते हुए इस गौ संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के जयचंदपुर कटघरा की ये तस्वीरें। इस दौरान ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे ने बताया कि यहां पर रहने वाले गौवंशों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही इन गौवंशों को कोई दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए समय समय पर वो स्वयं पहुंचकर इसका निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी 3 माँ होती हैं, सबसे पहले हम जिनकी कोख में रहते हैं वो माँ, उसके बाद धरती माँ, और तीसरी होती है हमारी गौ माता, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और गौ माता को आज इस दुर्दशा के कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गायों की सेवा करें, गौ माता का ध्यान रखें। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी गौवंशों के लिए प्रयत्नशील है, संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, नए नए संरक्षण केंद्रों का उद्घाटन हो रहा है, जिससे सड़क पर घूम रहे गौवंशों को सुरक्षित ठिकाना मिले। लगातार सड़कों पर घूम रहे गौवंश हादसों का शिकार भी होते हैं, उनकी वजह से कई लोग भी चोटिल होते हैं। ऐसे में जगह जगह गौ संरक्षण केंद्र की अत्यंत आवश्यकता है। ग्राम सभा जयशंकर कटघरा के इस पवित्र भूमि पर बृहद गौ संरक्षण गौशाला के उद्घाटन के कार्यक्रम में इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान, जिन्होंने बड़े ऊर्जा और बड़े लगन से इस गौशाला में अपना योगदान देकर के आज उद्घाटन कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाते हुए श्री अरविंद तिवारी जी, कुशल संचालनकर्ता मेरे छोटे भाई शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडे जी, बगल के ग्राम सभा महादेव जगदीश के प्रधान बाबूराम मिश्रा जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्य मोहन पांडे जी, वरिष्ठ नेता अखिलेश तिवारी जी, प्रधान पड़ली केवट के प्रधान खान साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम नाम काट देता हूं, ईमानदार ना अब कोई बेईमान कहते तो का नहीं हो। उनके सम्मानित जिला अध्यक्ष आपके गांव के आपके घर के नरेंद्र कुमार पांडे जी, वरिष्ठ शिक्षक बाबू श्रवण सिंह जी, देवता देवी शुक्ला जी, लल्लू तिवारी जी, और बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बड़े भाई शिवराम तिवारी जी, राम कुमार शुक्ला जी और देश जी,
और सीनियर पत्रकार पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष हमारे भतीजे के रूप में शुक्ला जी, पाठक जी, उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, मीडिया जगत से हमारे पाठक जी भी सामने हैं और इस क्षेत्र के नौनिहाल आने वाली पीढ़ी, नन्हे मुन्ने बच्चे, छायाकार बंधुओं, आज गौशाला का आयोजन, इसका भूम पूजन 3 वर्ष पहले हम ही ने किया था प्रभारी मंत्री जी के साथ में और उसी स्थान पर जहां वो एक देवस्थान बना हुआ हनुमान जी का, ऐसे पवित्र स्थान पर यह गौशाला भिनगा क्षेत्र में जा रहा था, बड़ी लड़ाई लड़ती तब यहाँ गौशाला हम लेकर के आए थे। ये मोतीपुर कला के नाम से गौशाला था, शासन में अपने कृषि मंत्री शाही जी से बड़ी लड़ाई लड़े और कहा कि इसको हमको दे दी, भूम पूजन किया था। आज हमारी गायें जो आवारा पशु अन्ना पशु के रूप से हम लोग छोड़ देते और गाय का ये दुर्दशा, अगर अभी एक गाय कहीं कट जाएगी तो सभी लोग हल्ला मचा देंगे, यहाँ गौ कसी होगी, लेकिन अपनी गौ माता को हम दूध पी करके और उसके बाद स्वयं छोड़ देते हैं। सड़कों पर उनकी दुर्घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से उनके लथड़े पड़े हुए होते हैं, अगर सरकारी तंत्र उसको न उठावे तो उठाने वाला नहीं है, ये बड़ी विडंबना की बात है। और सरकार ने जिस तरीके से खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके मनोभाव से ये गौशालाओं का आयोजन गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र में किया जा रहा है कि हमारे जो छुपता जानवर है उनसे निजात मिले, और हम लोग समझ नहीं पा रहे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना आई, शायद यहाँ कोई जानता ना हो, अगर आप 10 गाय पालने का काम करते हैं तो सरकार 12.5 लाख रुपए आपको दे रही है 10 गाय को। आप 1-2 गाय अपने घर की, 2-4 गाय कुत्ता लेकर के 10 गाय पाल सकते हैं और 25 लाख रुपए की योजना है, 12.5 हजार सरकार आपको दे रही है। 25 गाय का गौशाला बनाते हैं तो 7 लाख रुपया दे रही है, 200 गाय का आप गौशाला बनाते हैं तो 2 करोड़ रुपया सरकार आपको दे रही है कि किसी तरीके से किसान की आमदनी दुगुनी हो, तिगुनी हो, और जो हमारे जानवर है, अन्ना जानवर है, इनसे क्षेत्र को निजात मिले। अब ये देखिए, अभी प्रधान जी बता रहे थे इसमें बर्मी कंपोस्ट बनाऊंगा, बर्मी कंपोस्ट बनेगा 300-400 रुपया प्रति बोरी आपको खाद बिकेगी। आप अगर सोचें 500 गायों का लक्ष्य रख करके इसको बनाया गया है, अगर 500 गाय में कायदे से अगर सेवा कर लीजिए, 400 गाय अगर आपकी बच्चा दे दिया, 1-1 लीटर दूध दिया, एक गाय 1 लीटर से कम कोई दूध नहीं देती है, 2 लीटर दूध माने 800 लीटर दूध आपके गौशाला से प्रतिदिन बिक्री हो सकता है, और ऑर्गेनिक दूध, उसके गाय के गोबर से आप खाद भी बनाते हैं, जैविक खाद भी बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, गौमूत्र से खेती भी करते हैं, और जो गाय मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, गौ मेरी माँ, हर मनुष्य की 3 माताएं होती हैं, पहली माँ जिसने मुझे अपने गर्भावस्था में 9 माह तक रखा, और दूसरी माँ जो धरती पर गिरे। अब उदाहरण लेना चाहिए कि धरती माँ कितनी सहनशील है, धरती माँ को आप चीरते हैं, फाड़ते हैं, कूदते हैं, पेशाब मलमूत्र करते हैं, लेकिन धरती माँ कभी अपने बेटे से अलग नहीं होती। और तीसरी माँ मेरी कौन है, वो मेरी गौ माँ। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले गाय का दूध पिलाया जाता है और मरने के बाद में गौ का पूछ पकड़ करके गौदान दिलाया जाता है, जिससे हम ऊपर जाके हम प्रथम पवित्र होते तरते हैं। जीवन का कितना भी कुकर्म किया उसको त्याग करके जब गौ माँ का हम गौदान करते हैं तो कुकर्म हमारा यही रह जाता है और सब कर्म ऊपर चला जाता है। गौ मेरी माँ है,